8 मई सन 24 वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप घर के कोने में रख देना एक रुपए का सिक्का। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व वैशाख अमावस्या तिथि का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह अमावस्या तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली अमावस्या तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, उसको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलता है। और दोस्तों, 8 मई को पढ़ने वाली वैशाख अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि इस अमावस्या तिथि का समय पूर्व 52 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, व्रत खाली जा ही नहीं सकते। और अगर इस दिन आप किसी कारण वश सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त में कर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप चुपचाप अपने घर पर साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, और आपने देखा भी होगा, जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा आपके घर पर दिवाली में धनतेरस पर शुरू की जाती है, तो हमेशा उनकी पूजा में 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और जो स्टेनलेस स्टील होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है। अगर आप बृहस्पति ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के भाग्य नव ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, और बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो सिर्फ आपको वैशाख अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना होगा, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि वापस से माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, इस वैशाख अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस वैशाख अमावस्या तिथि की सूर्यास्त को अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहाँ पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर 3 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 1 लाल कपड़े पर 3 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है। पूजा घर पर 1 घी का दीपक आपको जला देना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। 20 मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नम। उसके बाद आपको इसी पोटली को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भारी रहेगी। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैशाख अमावस्या तिथि के दिन खुद भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं, इसीलिए वैशाख अमावस्या तिथि के दिन हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में एक देव पेड़ माना गया है। और आपको सिर्फ यह करना है कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आपको जाना है, सबसे पहले 1 लोटा जल आपको पीपल पेड़ पर अर्पित कर देना है। उसके बाद पीपल पेड़ की आपको 11 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र का जाप आपको करना है। 20 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 परिक्रमा खत्म होने के बाद आपको 1 रुपए का सिक्का पीपल पेड़ की जड़ पर रख देना है।
सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका भाग्य आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे जो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक व्यक्ति के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के बता दे, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है जिसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपके साथ दे तो बस काम कीजिएगा। 8 मई वैशाख अमावस्या तिथि के दिन 2-1 रुपए के सिक्के आप ले लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 20 मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नम। 2 सिक्कों में 1 सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है, बस पर साहब का चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। इस उपाय के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।